अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू द ऑनलाइन आर्ट क्लास। सो हाउ आर यू चिल्ड्रन? आई होप ऑल आर यू गुड। सो क्लास 3, आई होप आप सब ने प्रीवियस क्लास का सारा वर्क कंप्लीट कर लिया होगा, जैसे भी मैंने आपको बताया था, और आप सब आज की क्लास के लिए रेडी होंगे, अपने आर्ट कॉपी, पेंसिल बॉक्स एंड कलर्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वर्क। क्लास 3, टुडेज टॉपिक इज हाउ टू ड्रॉ अ हेलीकॉप्टर। तो आप सब ने हेलीकॉप्टर वगैरह देखे ना, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। तो हम आज उसी पे ही आपकी फर्स्ट क्लास लेने वाले हैं, जो फर्स्ट क्लास तो आपकी हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स देखे थे। आज हमारी सेकेंड क्लास है, तो उसका जो टॉपिक है उसमें आज हम जो ड्रॉ करने वाले हैं वो है हेलीकॉप्टर। ठीक है, नाउ टेक योर आर्ट कॉपी एंड ओपन द पेज, ओपन द न्यू पेज। चिल्ड्रेन, फर्स्ट ड्रॉ मार्जिन ऑन ऑल द फोर साइड। आई होप आप सब ने कॉपी में पहले से मार्जिन ड्रॉ करके रखी होगी, जैसे कि मैं आपको क्लास में बताती आती हूँ कि आपके जो भी पेजेस हैं ड्राइंग की उस पर मार्जिन ड्रॉ करके रख लीजिए, ताकि आपको बार बार ड्रॉ करना ना पड़े। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं ड्रॉ की है मेरे साथ ड्रॉ कर लीजिए। First, put the scale on the left side and draw straight line and draw the line on the left side. Now, I'm keep the scale on the top and draw a straight line. Sorry, sleeping line. Draw a margin on the bottom side. So class, इस तरह से हमें margin draw करनी है। First take your bank clip, जो आपको easily available हो जाएंगे अपनी मदर से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक bank clip लिया हुआ है हेलीकॉप्टर के लिए। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट keep the bangle on here and make a circle like this. So class, जब आपका ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा तब इस सर्कल से हमें थोड़ा सा एक्स शेप लेना है। तो वो एक्स शेप आपने देखा है ना, ओवल शेप का होता है। तो उस एक्स शेप को देने के लिए हम यहाँ से थोड़ा सा लाइन आगे बढ़ाते हुए, नाउ अपनी कॉपी को थोड़ा सा स्टैंड कर लीजिए और इस तरह से बहुत ही लाइट हैंड से आपको थोड़ा सा इस तरह से शेप देना है आगे बढ़ाते हुए, और उसी सर्कल में आके हम जॉइन कर देंगे। इस तरह से देख सकते हैं, बहुत ही स्लोली स्लोली आपको अपनी पेंसिल को मूव करना है। नेक्स्ट फिर हम करेंगे क्या, ये जो हमारी इंसर्ट वाली लाइन है, कर्व लाइन, इसे हम इरेज कर देंगे। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हो ये जो सर्किल की जो कर्व लाइन थी वो इरेज हो चुकी है। अब इसी बैंगल की हेल्प से आप इस तरह से रखेंगे हेलीकॉप्टर का मिरर ड्रॉ करने के लिए। और सेम हम चाहे आप अनसाइड से लाइन ड्रॉ कर लो, चाहे आप आउटसाइड से कर लो, तो हम यहाँ पे आउटसाइड से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस। ठीक है, अब करना क्या है, नाउ टर्न योर पेज एंड ड्रॉ अ कर्व लाइन
एंड डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। इस तरह से हमें टू पार्ट्स में जो हमारा बैक साइड वाला पार्ट है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये एक तरह से जो पूरा हमारा सर्कल था, ये जो हमारा एक्स शेप है, इसको हम लोगों ने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किए। काउंट कीजिए, 1, 2, 3। ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे इसका आउटसाइड वाला पार्ट। तो फर्स्ट आपको करना क्या है, अपना स्केल लेना है और स्केल से लेंथ देख लीजिए। मीन्स जो भी आपका ये टच कर रहा है, ये वाली लाइन टच कर रही है ना, इस वाली लाइन से आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, चाहे आप स्ट्रेट करके देख लो, चाहे से 12 सेंटीमीटर पे आपको एक डॉट रखना है। आई होप आप सबको एक डॉट दिख रहा होगा, मैं दिखाया तो मैं आपको दिखा देती हूँ, दिख रहा है डॉट। तो आपको इतना डिस्टेंस लेना है और यहाँ पे हम एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये आप चाहो तो स्केल से ड्रॉ कर सकते, सॉरी हैंड से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एंड मेक अ स्मॉल सर्कल इनसाइड एरिया लाइक दिस, क्लियर। नाउ ड्रॉ अ स्लैंट लाइन। First, keep your scale on here and draw a slant line like this. Again, put the scale on here and draw the line. Means up to X shape or is circle se ki center. मिडिल में आपको लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों को ज्वाइन कर देना है। नाउ मेक अ चेक्स इन दिस पार्ट। तो इस तरह से हम, आपने देखा होगा जो हेलीकॉप्टर का जो पीछे वाला पार्ट होता है, लाइक टावर, टावर देखे हमने, तो टावर जैसा होता है और वो डिवाइड होता है, ठीक है। इस तरह से हमें भी यहाँ पे इस तरह से चेक्स में ड्रॉ कर देना है। अभी आप देख लीजिएगा जब मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी। लाइक दिस नाउ मेक अ विंग। फर्स्ट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन एंड क्लोज इट। नाउ मेक अ स्क्वायर। यहाँ पे हम एक विंग ड्रॉ करेंगे, जिस तरह से आप बटरफ्लाई ड्रॉ करते हो या बो के लिए हम ड्रॉ करते हैं ना, हम इस तरह से ये ड्रॉ करेंगे। सेम हम लेफ्ट हैंड साइड भी ऐसे करेंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। नाउ ड्रॉ अ फैन ऑन द बैक साइड। इस तरह से हमें बैक साइड पे फैन ड्रॉ करना है। ये हमारा फ्रंट साइड है, जो आपका ये वाला पोर्शन है ये फ्रंट साइड है, आपकी साइड है, और जो पीछे वाला बैक साइड है वो फैन वहाँ से हो रहा है शो, ठीक है। नाउ मेक अ स्ट्रेट लाइन, 4 स्ट्रेट लाइन एंड क्लोज इट। नाउ टर्न द पेज लाइक दिस एंड ड्रॉ अ कर्व लाइन। कर्व लाइन करके हम इसे तरह से ज्वाइन कर देंगे और इसी से हम आगे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, सॉरी इसके बैक में करेंगे और इसी तरह से सेम हम आगे भी करेंगे।
लाइक दिस। थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हुए, 1 सेंटीमीटर की स्पेस छोड़ते हुए हम सेम ऐसे ड्रॉ करेंगे। अपनी कॉपी को इसी तरह रखिएगा और यहाँ से इसे क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अभी हमने सिर्फ बैक साइड वाला क्लोज किया है, फ्रंट साइड वाला नहीं। सेम, अब यहाँ से थोड़ा सा पार्ट स्टैंड लाइन ड्रॉ करिए, सेम जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था वैसे ड्रॉ करना है। टर्न योर पेज, इस तरह से वी शेप देते हुए ड्रॉ कर दीजिए। सो क्लास 3, द पिक्चर ऑफ हेलीकॉप्टर इज कंप्लीट। नाउ मेक अ आउटलाइन विद द हेल्प ऑफ ब्लैक कलर। तो आपके पास जो भी ब्लैक कलर है उससे आपको आउटलाइन करनी है पेंसिल कलर से। मैं यहाँ पे मार्कर की हेल्प से आउटलाइन कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके ये। मेरे साथ आउटलाइन कर रहे हैं ना, तो जिनको पहले आउटलाइन करनी है वो पहले कर लीजिए। तो जब आप पहले आउटलाइन करेंगे तो आपको कोई इजी रहेगा कलर करने के लिए, कि आपका जो भी कलर है वो आपका पिक्चर से बाहर नहीं जाएगा, और अगर थोड़ा बहुत चला भी जाता है तो आप उसे इरेज कर दोगे। स्केल भी यूज़ कर सकते हो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, सॉरी ट्रेस करने के लिए। चलो मुझे देख के फॉलो करते जाइए। So finally outline is complete, and write the name on here, a helicopter. सॉरी क्लास, मैं डेट मेंशन करना भूल गई हूँ। तो जब भी आप क्लास में अपनी कलर करें या ड्राइंग करें कुछ भी, तो फर्स्ट राइट द डेट ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। सो आज कौन सी डेट है, 21 4 अप्रैल 2021, लाइक दिस। ठीक है, सो चिल्ड्रन आज का जो वर्क था, सॉरी टॉपिक था, हाउ टू ड्रॉ हेलीकॉप्टर, तो ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। आई होप आप सबने भी मेरे साथ साथ कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके कलर के साथ, जिसमें हम कलरिंग करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।